फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं समरी। तो आज हम स्टूडियो में देखने वाले हैं स्टूडेंट लाइफ, रिच वर्सेस पुअर। और आप लोग जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं इस वीडियो को एम करती हूं 75,000 लाइक्स। तो चलिए देखते हैं। बीबी जी के उठने का टाइम हो गया है, अभी मैं उनके लिए उनका फेवरेट गाना गा देती हूँ। गुड मॉर्निंग बेबी जी, आपके लिए आपकी फेवरेट कॉफी बनकर तैयार है। जल्दी से फ्रेश हो जाइए और हॉल में आ जाइए। ओके। मुझे सुकून से सोने नहीं देता। सुबह सुबह एक कुकर की सीटी बजने लगेगी, गाड़ियों की आवाज आने लगेगी और ये लोग लड़ाई भी सुबह सुबह करते हैं। ओए मुझे सोने दो। ज्यादा ना तो चिल्ला मत, वरना वही आऊंगी तुझे पीटने के लिए। सुबह उठा नहीं जाता इस लड़की से। मुझे सोना है। तेरी किस्मत में तू नहीं शायद। चलो गिफ्ट देख लेती हूँ क्या क्या मिले। iPhone 12, ये तो ऑलरेडी मेरे पास है। ये क्या घिसे पीटे गिफ्ट मिल रहे हैं मुझे। iPhone 11, इसका करूंगी क्या मैं। AirPods, चूंकि मेरे पास ऑलरेडी है। क्या हो गया सबको, ये कैसे कैसे गिफ्ट दे रहे हैं सब लोग मुझे। काम की चीजें तो मुझे कोई दे ही नहीं रहा है। सारे गिफ्ट मेरे पास ऑलरेडी है। गोल्ड चेन, इतना चीप गिफ्ट किसने दिया मुझे। मुझे नहीं चाहिए ऐसा गिफ्ट। डायमंड रिंग्स बहुत सारी, चलो ये रख लेती हूँ। में क्या है, गोल्ड ज्वेलरी सेट। गंदा लग रहा है ये, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कोई एक ऐसी चीज भी नहीं मिली मुझे जो मेरे काम की हो। और ये पेपर, ये पेपर किसने दिया मुझे। ओह माय गॉड, ये तो जुपिटर पे जाने की टिकट्स है। ये हुआ ना कोई इंटरेस्टिंग गिफ्ट। चलो फिर एक काम करती हूँ, जुपिटर जाने के लिए शॉपिंग कर लेती हूँ और अपने कुछ फ्रेंड्स को भी बोल देती हूँ चलने के लिए। उनकी भी टिकट्स करानी होगी ना, बहुत सारे काम है तो मैं जुपिटर की टूर करूंगी। ये एक काम करती हूँ, जुपिटर से लौटते टाइम ना मास्क भी देख ही लूंगी। अब जा रही हूँ ऊपर तो घूम कर ही आऊंगी ना अच्छे से। जरा देखूँ तो मुझे बर्थडे गिफ्ट में क्या क्या मिला है। वाओ, एक स्लिंग बैग। कल कॉलेज यही बैग लेकर जाऊंगी, मेरी सारी फ्रेंड्स तो जल जाएंगी। एक डॉल, वाओ, ये तो डांस भी कर रही है। ओहो, क्या ठुमका लगा रही है। वाओ, बटरफ्लाई क्लिप। कल कॉलेज ये भी लगाकर जाऊंगी। लास्ट ईयर से तो बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट मिले मुझे, इस बार जाकर मम्मा को तो दिखा दूं। पूजा, आप मैं तुझे कुछ ऐसी पिक्चर्स दिखाती हूँ मेरी जो तूने अभी तक बिल्कुल भी नहीं देखी होगी, क्योंकि मैंने आज तक वो पोस्ट ही नहीं की कहीं पे भी। तुझे पता ना मैं बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं करती। हाँ वो तो है। चल तुझे दिखा देती हूँ। ये देख मेरी फोटो जस्टिन बीबर के साथ, उससे ना मुझे लंच पे बुलाया था, तब हमने क्लिक की थी साथ ही वाली। देख कितने अच्छे लग रहे हैं ना हम दोनों। वैसे ना बहुत ही अच्छा है जस्टिन, बहुत सारी बातें की। तू कवर कैसे मिली इससे। अरे लास्ट मंथ में लंदन गई थी ना, वही मिले थे हम। वाओ यार, तू तो बहुत लकी है, जस्टिन से मिलकर आ गई। उसने मुझे पहचान लिया, उसने बोला मुझे आपके साथ एक फोटो चाहिए। मैंने भी मना नहीं किया, मैंने बोला ठीक है। अच्छा अच्छा, मुझे तो लग रहा है झूठ बोल रही है। और तुझे पता है मैंने तो बहुत देर में उससे पहचाना, मुझे लगा कौन आ गया ये पता नहीं मेरे सामने। उसके बाद मुझे याद आया, ओह जस्टिन। ओके, और ये देख क्वीन एलिजाबेथ के साथ भी मेरी फोटो है। क्वीन एलिजाबेथ, वाओ यार तू तो बहुत लकी है। इतना बोलती हूँ लकी है लेकिन नजर नहीं लगती इसको। और तुझे पता है क्वीन एलिजाबेथ ने ना मुझे ना डायमंड का सेट दिया था जब वो हमारे घर पे फर्स्ट टाइम आई थी। एलिजा आंटी मेरी फेवरेट है और बहुत अच्छी है। वो हमारे घर डिनर करने आती रहती है। वो बात ये है ना कि रामू काका के हाथ का चिकन तंदूरी उनका फेवरेट है, तो हमेशा यही आ जाती है खाने के लिए। हम लोग भी मना नहीं करते कि ठीक है एलिजा आंटी आ जाओ, एक डायमंड का सेट भी तो देकर जाती है ना, हमारा फायदा उनका भी फायदा। और तुझे पता है नेक्स्ट मंथ जो मेरी सिस्टर की शादी है ना बड़ी वाली, उसके लिए ना हमने डीजे स्नेक को बुलवाया है। क्या बात करिए, डीजे स्नेक। हमारा डीजे स्नेक बहुत फेवरेट है, हम उसके गाने सुनते से। तो हम लोगों ने सोचा शादी में भी उससे बुलाना चाहिए। और वो तो ना एक कॉल पर आ गया, उसने कहा हमें तो शादी में आना है। ओ माय गॉड। और संगीत के लिए हमने बियॉन्से और शकीरा को बुलवाया है। शकीरा और बियॉन्से संगीत में परफॉर्म करेंगे। अच्छा चल ये तो बता, ये लोग चार्ज कितना करते हैं। मेरी बहन की शादी में ना मैंने पप्पू बैंड वाले को बुलाया था, बहुत अच्छा डांस किया था उसने और गाने भी काफी अच्छे चला रहा था। क्या पप्पू
कितना फनी नाम है। चल मैं तुझे बता देती हूँ शकीरा ने कितना चार्ज किया। $100 million चार्ज किया उसने। सस्ता ही है, ज्यादा महंगा नहीं है, तू भी करवा सकती है। $100 million? नहीं नहीं नहीं, हमसे ना होगा ये। $100 million में तो हमारी 7 पुश्ते खा लेंगी, वो भी जिंदगी भर। ये सारी चीजें ना तू ही कर, तेरे लिए ही है, हमारे लिए नहीं है। चल यार मैं चलती हूँ, मेरा ना पेरिस जाने का टाइम हो गया, शॉपिंग के लिए जाना था मुझे, लेट ना हो जाऊँ मैं। ओ भाई शॉपिंग के लिए भी पेरिस? ये अमीर लोग भी ना पैसे खर्च करने के बहाने ढूंढते हैं। चल बाय, कॉलेज में मिलते हैं। बाय। मीना तुझे ना मैंने एक राज की बात बताई नहीं अभी तक। वाह वाह वाह, क्या वक्त आ गया, तू मुझसे बातें भी छुपाने लगी, मैंने तो कभी सोचा नहीं था तू ऐसा करेगी। अरे 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 पागल, रुक जा बताती हूँ अभी। ये एक फोटो देख, अमिताभ बच्चन के साथ खिंचवाई है। मुंबई में मेरी मौसी रहती है ना, वो ही मिली थी, तो मैं भी उनके साथ थी, मुझे ही मिलवा दिया। बहुत अच्छे हैं अमित जी, बहुत बहुत। और तो और तुझे पता है वो तो मुझसे सवाल भी पूछ लगे। अगला सवाल 2000 रुपए के लिए। मुझे तो इतनी हंसी आ रही थी उस टाइम पे, ऐसा लगा कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे। अरे ओ बेवकूफ, तू ना झूठ भी नहीं बोल पाती सही से। और सुन, तुझे ना इतना फेंकने की जरूरत नहीं थी बिल्कुल भी। और मुझे ये बता कि तेरी कौन सी मासी आ गई वहाँ? तेरी सारी मासी तो यहाँ रहती हैं। ये जो तेरी फोटो है ना अमित जी के साथ, ये एडिट की हुई है, मुझे मत उल्लू बना। वो तुझे नहीं पता ना, वो थोड़ी गुमनाम है, उनका ज्यादा पता नहीं रहता यहाँ किसी को भी, तुझे भी नहीं पता। तू जैसी है ना वैसी रह, और तेरी जैसी लाइफ है उसी में खुश रह, मैं भी तो रह रही हूँ ना खुश। हाँ यार तू सही कह रही है, शो ऑफ के चक्कर में ना मैं झूठी साबित हो जाती हूँ। मैं ना अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ, जितना है मेरे पास वो सब अच्छा है, अब नहीं झूठ बोलूंगी किसी से भी। चल आजा आइसक्रीम खाने चलते हैं। चल बहुत भूख लग रही है मुझे तो। भूख लग रही है? बेबी जी रुकिए, मैं भी कुछ खाने के लिए लाता हूँ। कोई खाना वाना नहीं होगा अभी, पढ़ाई पे ध्यान दो। देखिए मैडम, हम आप लोगों को एक्स्ट्रा पैसे देते हैं ना, आपको पता है कि बेबी जी को जब भूख लगेगी उन्हें खाना नहीं मिलेगा तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। मैं उनकी तबीयत खराब नहीं होने दूंगा, और उनको मैं ब्रेक टाइम का वेट नहीं करवाऊंगा, अभी खाएंगी वो, ये लीजिए। अरे मैं पानी लाना तो भूल ही गया, अभी लाता हूँ। ओफो ब्रेक टाइम कब होगा, नहीं भूख लग रही है, मैं क्या करूं, पेट में तो चूहे कूद रहे हैं और मैं तो अभी कुछ खा ही नहीं सकती, वरना ये टीचर तो मुझे मार डालेगी। चिंकी क्लास पे ध्यान दो। फाइनली ब्रेक टाइम हुआ। वाओ ऑरेंज और मूंगफली दी मम्मा ने, सबसे पहले तो मैं ये खाऊंगी, मेरी फेवरेट। वाह मजा आ गया, अब ये भी खा लेती हूँ। बेटा मेरा US वाला फाउंडेशन आज के आज खत्म हो जाएगा, मैं कल से क्या लगाऊंगी? आपको पता है ना मैं सिर्फ और सिर्फ US वाला फाउंडेशन लगाती हूँ अपना। ओ, ये कैसे हो सकता है? हाँ मेरे पास एक आइडिया है, आप एक काम करो, जल्दी से रामू काका को बोलो बैकपैक करें और निकल जाए यहाँ से। लेकिन बेटा फाउंडेशन खत्म हुआ तो तुम रामू काका को घर से क्यों निकाल रही हो, उनकी क्या गलती इसमें? अरे मम्मा आप भी ना समझती नहीं हो मेरी बात, एक बार मैं ये बोल रही हूँ कि रामू काका को ना आप फर्स्ट फ्लाइट से अभी की भेज दो US, मेरा फाउंडेशन लेकर आएंगे वो, वरना मैं कल से ना कॉलेज नहीं जाऊंगी अगर मेरा फाउंडेशन नहीं आया तो। अच्छा अच्छा चलो मैं उनकी टिकट्स करवाती हूँ अभी जल्दी से, बस एक दिन का और फाउंडेशन बचा है, बचा कर रख देती हूँ उसको। इतनी बड़ी मिस्टेक मुझसे कैसे हो गई, मुझे तो पहले ध्यान देना चाहिए था। बस रामू काका जल्दी से जाए और फाउंडेशन लेकर आ जाए, और तो कुछ नहीं चाहिए मुझे। अरे मम्मा याद आया मुझे, रामू काका जा ही रहे ना, तो आप ना मेरे लिए कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स मंगवा दो वहाँ से, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स ना यहाँ नहीं मिलते। और मुझे ना कुछ हेयर क्लिप्स चाहिए जिन पर डायमंड हो, रियल डायमंड आपको तो पता है ना, बस ये सारी चीजें ही चाहिए मुझे अभी तो। ओके ओके बेटा मैंने रामू काका की टिकट्स तो बनवा दिए, मैं उन्हें ये सारी चीजें बता देती हूँ। काम करती हूँ मैं भी, अपनी ग्रीन टी मंगवा लेती हूँ, वैसे भी अब जा रहे हैं तो लेकर आ जाएंगे सामान सारा हमारा। अच्छा हुआ तुम्हारा फाउंडेशन खत्म हो गया आज। मम्मा मेरा तो लिप बाम खत्म हो गया, अब मैं क्या लगाऊं अभी? तुझे चाहिए क्या? बस ना तुझे खर्चा करवाना है मेरा, अगर ये खत्म हो गया तो तू तेल लगा ले होठों पे, जरूरी तो नहीं ना कि यही लगाना है, तेल से भी ना होठ नहीं सूखते, देसी जुगाड़ कर और पैसे वेस्ट मत कर मेरे। मम्मा मेरा बॉडी लोशन भी तो खत्म हो गया ना, कल ही तो बोला था मैंने आपसे। अरे तो हाथ पैरों में भी ना तेल लगा, तेल मैं तो हमेशा तेल लगाती हूँ। ओफो मम्मा ये जुगाड़बाजी ना मुझसे नहीं होती है, मैं तो लोशन ही लगाऊंगी बस। आजकल के बच्चे सिर्फ लोशन 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 करते रहते हैं, कौन सा मोशन, लूज मोशन, कैसी कैसी।
बातें कर रही हो आप? हाँ हाँ चल बहस मत कर और जाकर ना तेल लगा हाथ पैरों में, पैसे बचाना सीख ले, पैसे बचाना, सारे पैसे ना तेरी शादी में ही काम आएंगे। अरे मम्मा यार घुमा फिरा के बात वही आ गई शादी पे, आपका बस चले ना तो आप तो मेरी शादी आज ही करवा दो, चल जाए यहाँ से, यहाँ पे रहेगी तो शादी की बात करा दूंगी। ठीक है जा रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जब भी मेरी वीडियो आएगी आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। और इस वीडियो को मैं एम करती हूँ 75,000 लाइक्स, तो जल्दी से आप लोग उस वीडियो को लाइक करिए ताकि 75,000 का एम पूरा हो जाए। और आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको रिच का पार्ट अच्छा लगा या पुअर का। और कल दोपहर 2 बजे आ रहा रिसेप्शन ब्लॉग टर्मिनली ब्लॉग पार्ट, तो देखना बिल्कुल मत भूलना। और आप लोग मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।